हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सलमान के बाद शाहरुख ने भी गिनाई सलमान से दुश्मनी की वजह। बताएंगे बच्चन फैमिली कहां मना रहे हैं आराध्या का बर्थडे। अभिषेक बच्चन की फिटनेस को लेकर क्यों परेशान है राम गोपाल वर्मा। और दिखाएंगे कुणाल कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान और शाहरुख की दोस्ती की खबर के साथ। सलमान को आपने शाहरुख के बारे में बोलते हुए कई बार सुना होगा, पर शाहरुख खान सलमान को लेकर किए जाने वाले हर सवाल को टाल देते हैं। लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर शाहरुख ने भी सलमान और खुद के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। टेक अ लुक। सलमान खान को आपने शाहरुख के साथ अपने रिश्ते पर बोलते हुए कई बार सुना होगा। जिन जिन के लिए झगड़े हैं उन्होंने दोस्ती कर ली तो हमारा क्या लेना देना। दोस्ती नहीं, दोस्ती नहीं। सलमान खान शाहरुख के ऊपर बात करने से कभी नहीं चूकते। We don't see eye to eye nowadays. I mean, we don't talk. We stay very far away from each other. लोगों ने इस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा दिया है। We're not in a boxing ring. You know, we're not competing each other. And you know, in some judo, martial arts, or karate, he should beat me with his work, and I should beat him with my work. लेकिन बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान हमेशा सलमान खान के साथ दोस्ती के सवाल को टालते हुए आए हैं। Salman recently just said that he'd like to patch up with you. Your comments on that? Sorry. Salman recently said in an event that he would like to patch up with you. I did, this is what educated me mean. You know, that how much as ever Zoom wants to have the scoop and the breaking news story and go on Twitter and become the first ones to say some nonsense which does not exist. दरअसल शाहरुख नहीं चाहते कि सलमान और उनको लेकर मीडिया में किसी भी तरह की खबर आए। लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर शाहरुख खान ने सलमान के साथ अपनी दोस्ती पर खुलकर बात की। शाहरुख खान ने कहा, We had a little bit of a personal issue. We have certain things which are similar and certain things which we don't agree on. Right now, we are on a disagreement note and it is not possible that a film will bring us together. शाहरुख ने साफ कर दिया है कि इन दोनों स्टार्स के बीच पर्सनल प्रॉब्लम जरूर हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फिल्म इन्हें साथ ले आएगी। दरअसल फिल्म जब तक है जान के प्रीमियर से खबर आई थी कि यहाँ सलमान, शाहरुख और आमिर ने एक साथ डांस किया और इन दोनों स्टार्स के बीच पैचअप करवाने में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने पीस मेकर की भूमिका निभाई। और इसी सवाल के जवाब पर शाहरुख ने कह दिया कि इन स्टार्स के बीच की पर्सनल प्रॉब्लम्स को पब्लिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा कोई करवा सकता है। बात साफ है कि शाहरुख खान भी अब समझ चुके हैं कि सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्लू उनसे कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। जिन जिन के लिए झगड़े हैं उन्होंने दोस्ती कर ली तो हमारा क्या लेना देना। दोस्ती नहीं। Well, सलमान भले ही दोस्ती वोस्ती ना चाहते हो, लेकिन उनके करीबी जरूर चाहते हैं कि इन दोनों स्टार्स के बीच पैच अप हो जाए। तभी तो शाहरुख के साथ एक समिट पर पहुंची कटरीना ने कहा, आई वुड फाइंड अ डायरेक्टर टू गेट शाहरुख एंड सलमान खान टू वर्क टुगेदर। साथ ही कटरीना ने शाहरुख और सलमान को यहाँ एक सजेशन भी दे डाला, शाहरुख और सलमान समटाइम्स दे बोथ डू थिंग्स दैट कुड हैव बीन अवॉइडेबल। Well, लगता है कटरीना ने अपने बर्थडे पर इन दोनों स्टार्स के बीच हुई प्रॉब्लम्स को खत्म करवाने का जिम्मा उठा लिया है। तभी तो कैट इन दोनों को कभी साथ फिल्म्स करने की बात कहती है तो कभी अपने गुस्से पर काबू रखने की। वैसे इस खास समिट पर पहुंचे शाहरुख ने एक और बड़ा खुलासा किया। अब तक स्क्रीन पर किसिंग सीन से दूर रहने वाले शाहरुख खान ने फिल्म जब तक है जान में लिप लॉक सीन्स किए हैं और शाहरुख ने अपने कमिटमेंट को तोड़ने की वजह का यहां खुलासा किया। आई फाइंड किसिंग ऑन स्क्रीन वेरी ऑकवर्ड कंबसम। I had some rules. Didn't want to kiss a heroine and ride a horse. Both very cumbersome. But yes, she forced me and even gave money. Well, शाहरुख की इतनी बड़ी कमिटमेंट को यश चोपड़ा ही तुड़वा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस कमिटमेंट के टूटने के बाद वो आगे ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स करते हैं या फिर नहीं। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। रणबीर कपूर टैटूज को लेकर हमेशा कहते आए हैं कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जूम को पता चला है कि रणबीर ने फाइनली एक खास शख्स के लिए बनवा लिया है एक टैटू। कौन है रणबीर का ये खास शख्स? लेट्स फाइंड आउट।
बॉलीवुड के टैटूड स्टार्स की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, रणबीर कपूर। वी नो दिस कम्स एज अ सरप्राइज, क्योंकि रणबीर ने हमेशा ही ये मेंटेन किया है कि उन्हें टैटूज बिल्कुल पसंद नहीं है। टैटूज इज अ कंप्लीट नो नो फॉर मी, टैटूज इज अ कंप्लीट नो नो फॉर मी, बट इट सीम्स फ्रेंड अयान मुखर्जी हैज मैनेज्ड टू कन्विंस हिम। जी हाँ, ये टैटू है रणबीर और दीपिका स्टार और डायरेक्टर अयान मुखर्जी की मूवी ये जवानी है दीवानी के लिए, एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू रणबीर्स ग्रैंडफादर राज कपूर। As the tattoo on his hands reads Avara, but ये tattoo permanent नहीं है, ये तो रणबीर ने इंक करवाया है just for his film ये जवानी है दीवानी। For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. Zoom के कैमरा पर अभी दो दिनों पहले अभिषेक बच्चन ने बताया था कि अपनी डॉटर आराध्या के बर्थडे को वो प्राइवेट और फैमिली अफेयर रखना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी इस पार्टी की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन Zoom को पता लगा है कि कहां और कब बच्चन मना रहे हैं आराध्या का बर्थडे। The first birthday is very special, but I think for a child at the age of one, I don't think they're going to remember much. I think the first birthday is more special for the mother who's put in such hard work over the past 1 year to bring up our daughter. So I think a quiet day with the family, with the blessings of her elders, and that's the most important gift you can give a child. Like I just said, for any child, the best present is just give them attention and love. So for her first birthday, we just hope she gets time to spend with the family. That's it. रिसेंटली अभिषेक और ऐश्वर्या ने साफ कहा था कि आराध्या का बर्थडे होगा काफी पर्सनल अफेयर, और वो चाहेंगे कि आराध्या अपना पूरा समय फैमिली मेंबर्स के साथ बिताए, और इसीलिए आराध्या के बर्थडे पर पूरी बच्चन फैमिली निकल गई छुट्टियां मनाने। सोर्सेस की माने तो बच्चन फैमिली इस वक्त गोवा में छुट्टियां मना रही है, और फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए बच्चन ने गोवा जाने के लिए एक चार्टर प्लेन बुक किया है ताकि वो अपने प्राइवेट अफेयर की खबर किसी को ना लगने दे। पूरी बच्चन फैमिली आराध्या को लेकर कितनी ज्यादा कंसर्न है हम पिछले एक साल में देख ही चुके हैं, और शायद इसीलिए वो चाहते थे कि आराध्या के बर्थडे को एक लोकी अफेयर रखा जाए। वेल, लगता है शानदार दीवाली पार्टी के बाद अब भी पूरी बच्चन फैमिली पार्टी के मूड में ही है, लेकिन इस बार अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि केवल फैमिली के साथ। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा आजकल एक्टर अभिषेक बच्चन की हेल्थ को लेकर परेशान हो गए। क्या है अभिषेक के लिए रामू की इस कंसर्न की वजह? लेट्स फाइंड आउट। जहां आजकल बॉलीवुड का हर एक एक्टर अपने रोल में फिट होने के लिए क्या कुछ नहीं करता, वहीं हमारे अभिषेक बच्चन हैं जिन्हें काफी टाइम से ये कहा जा रहा है कि वो थोड़ा वेट रिड्यूस करें अपनी अपकमिंग फिल्म सरकार राज के लिए। सोर्सेज की माने तो राम गोपाल वर्मा की सरकार के सीक्वल में अभिषेक बच्चन निभा रहे हैं मेन हीरो का रोल, जिसके लिए उन्हें फिट लगना बहुत जरूरी है। बट अभिषेक इज नॉट पेइंग हीड टू आरजीवी'स रिक्वेस्ट, इनफैक्ट वो तो दिन ब दिन वेट पुट ऑन करते जा रहे हैं। ऐसे में रामू अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि रामू इज अपसेट विद अभिषेक बच्चन, क्योंकि इन्हीं वेटी इश्यूज की वजह से फिल्म मुश्किल में पड़ गई है। फॉर आरती दाने, Zoom, मुंबई। फिल्म रेडी के बाद सलमान खान और इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, और यही वजह है कि फिल्म नो एंट्री का सीक्वल बनाने जा रहे हैं प्रोड्यूसर बोनी कपूर आजकल सलमान और अनीस बाजमी का पैचअप करवाने में लगे हुए हैं। फिल्म रेडी के दौरान सलमान खान और डायरेक्टर अनीस बाजमी के बीच क्रिएट हुए डिफरेंसेस अब भारी पड़ रहे हैं बोनी कपूर पर। ये तो आप सबको पता ही है कि नो एंट्री का सीक्वल बनने जा रहा है जिसे अनीस बाजमी डायरेक्ट करेंगे और सलमान खान है उसके लीड। नो एंट्री में एंट्री फिल्म की शूटिंग बोनी कपूर जल्द ही शुरू करना चाहते हैं, पर अनीस और सलमान के बीच में डिफरेंसेस की वजह से वो थोड़े परेशान हैं। इसीलिए ही हैज टेकन द इनिशिएटिव टू प्ले द पीस मेकर बिटवीन सलमान एंड अनीस बाजमी, ताकि उन दोनों में फिर से सुलह हो जाए। सलमान ने इस फिल्म को करने की हामी तो भरी है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग तब ही शुरू हो पाएगी जब सल्लू और डायरेक्टर अनीस के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब देखना यह है कि बोनी कपूर अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाते हैं या फिर नहीं। फॉर आरती दाने, Zoom, मुंबई। लाने बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर कुणाल कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लव शव द चिकन घुराना से सिल्वर स्क्रीन पर काफी समय बाद नजर आए एक्टर कुणाल कपूर ने Zoom के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। मैं हूं कुणाल और मेरे साथ इस वक्त हैं कुणाल। हाय कुणाल। हाय कुणाल, हाउ आर यू?
फाइन, ये बताइए अपने नेम से मिलना आपको मतलब कितने बार ऐसा होता है कि आप अपने नेम से मिलते हैं? हमारा नाम इतना कॉमन है क्या? हमारा नाम एक्चुअली बहुत कॉमन है और कुणाल कपूर भी काफी कॉमन है जी। मैं अभी फिलहाल 3 कुणाल कपूर को जानता हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता था जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे लगता था एक ही कुणाल कपूर है। हाँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि 3 कुणाल कपूर है। हाँ। कुणाल कपूर भी और एक हमारा कुणाल खेमू भी है तो हाँ, मतलब बड़े कुणाल तो मतलब आप भी कुणाल मतलब कितने सारे कुणाल होंगे। हाँ। आपने अपने करियर की शुरुआती दौर में स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी हिट दी रंग दे बसंती, मतलब फिनोमिनल, लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर रहे थे और काफी बड़ी सक्सेस हुई। उसके बाद कुणाल कपूर ने अपने आपको इतना अंडरप्ले क्यों किया है, क्यों कम फिल्में करते हैं, क्यों इसके पीछे क्या होता है जी? अब कम फिल्में मुझे लगता है कोई एक्टर ऐसा नहीं है जो कम फिल्में करना चाहता है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मैं बस साल में ही पिक्चर करूँगा। मैं चूजी ऐसा, ये वर्ड मुझे बहुत बुरा लगता है चूजी। और मेरा मानना है कि बुरा काम करने से अच्छा है, बुरा नहीं कहूँगा लेकिन काम जिसमें आपका बिलीफ नहीं है वो काम करने से बेहतर है कि आप काम ना करें। क्योंकि अगर आपको सेट पर जाना पड़े और कहना पड़े कि यार ये पिक्चर क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है उससे बेहतर है आप वही काम करें जो आपको पसंद है। ज़िंदगी छोटी है और मुझे लगता है आपको काम में मज़ा आना चाहिए। तो मैं वही लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और वही स्क्रिप्ट्स पे काम करना चाहता हूँ जहाँ मुझे मज़ा आए। और वो मौके मेरी यू नो जिस तरह के मौक़ों की तलाश थी मुझे वो मिले नहीं। यू श्योरली डोंट बिलीव इन लॉबिंग, क्योंकि अगर उसमें अगर आपका विश्वास होता तो शायद आप आमिर की हर दूसरी फिल्म में नज़र आते या रणबीर के साथ फिल्में करते हुए नज़र आते जी। कैंप और ये सब लॉबिंग और सब मैं उसमें भरोसा नहीं करता, होती होगी लेकिन आई एम नॉट गुड एट इट एंड आई हैव नेवर इंडल्ज्ड इन इट बिकॉज लाइक आई सेड मे बी बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट आई डोंट इंडल्ज इन इट। मेरा कैंप अकेले का है, मैं अपना तंबू लेके घूमता हूँ और जहाँ मुझे अच्छा लगे मैं गाड़ देता हूँ और लोगों को शामिल कर लेता हूँ उसमें। तो ऐसा कोई कैंप का हिस्सा नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे कुछ बुराई नहीं है कैंप में। मेरा मानना है कैंप जो है ये बुरा वर्ड हो चुका है कि कैंप है। हाँ। बॉलीवुड में कैंप्स होते हैं लेकिन कैंप वही होता है कि आप जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और जो लाइक माइंडेड लोग हों आपकी तरह, जिस तरह की पिक्चरें आप बनाना चाहते हैं उसी तरह की पिक्चरें वो भी बनाना चाहते हैं, वो आपका कैंप हो जाता है। यू स्पोक अ लॉट अबाउट अनुराग एंड समीर बट नॉट अबाउट राजू हिरानी और लेट्स से विद विनोद चोपड़ा फॉर इंस्टेंस, उनके साथ लाइकेबिलिटी नहीं होता है उस जब स्क्रिप्ट की बात आती है जी। अब लाइकेबिलिटी मतलब राजू हिरानी इज़ माई फेवरेट डायरेक्टर, आई लव टू वर्क विद हिम बट ही हैज़ टू ऑफर मी समथिंग, यू नो व्हाट आई मीन? इट्स नॉट लाइक आई कैन राइट समथिंग एंड से राजू प्लीज डायरेक्ट द फिल्म, यू नो ही इज़ आई वुड लव टू वर्क विद हिम, आई एब्सोल्युटली लव टू वर्क विद हिम एंड आई हैव टोल्ड हिम दैट ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजंस दैट यू नो आई लव टू वर्क विद हिम बट ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी समथिंग वेयर ही फील्स लाइक आई एम सूटेबल एंड ही ऑफर्स मी समथिंग। Kunal, you're a very talented actor as we all know, but do you think that there are certain top stars in Bollywood which could have supported you and which could have recommended you for a certain kind of role, because as you said that there is a likability of about the script, to kya aapko lagta hai ki aisi cheez ho sakti ji? wo main I'm talking specifically about Aamir. Sure, no I don't think, I think that's really unfair. I mean Aamir has come up the really hard way. Yeah. And what I really admire about Aamir is ke वो अपने दोस्तों को रेकमेंड नहीं करते, यू नो ही इज़ गॉट अ सर्टेन इंटेग्रिटी और वो मानते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो उनकी पिक्चर है जी। और जो वो पिक्चर सच्चाई से बनाना चाहते हैं, ऑनेस्टली बनाना चाहते हैं, तो ही डजंट रेकमेंड एनीबडी एंड दैट्स इन फैक्ट नॉट समथिंग दैट आई एम अपसेट अबाउट, दैट इन फैक्ट इज समथिंग दैट आई एडमायर अबाउट हिम बिकॉज यू नो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग first and foremost is the movie. I think you've got to be honest to the movie and then everything else comes is secondary. Yeah. And that's what I admire about him, that he's always honest to the film. Acting is your bread and butter, or you like to say acting is your bread and butter, or you would like to say acting is just a hobby? Acting is my jam. I mean bread and butter, obviously it is your bread and butter, it's your profession and you make money off it and you know that's how you survive and stuff, but for me acting beyond the money is actually is most importantly yeah. something that I feel really passionately about. Which is why I maybe don't do so many films either, because unless I'm completely convinced and I feel really passionately about something, you know, I don't want to be part of it. तो मैं एक्टिंग जो है अपने पैशन के लिए करता हूँ ज़्यादातर, और ब्रेड एंड बटर तो है ही लेकिन जैसा मैंने कहा साथ में जैम भी है। Kunal, thanks a lot. It was a pleasure speaking to you. Thank you so much. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, so stay with us. ब्रेक के बाद भी बहुत
फिल्म सन ऑफ सरदार के रिलीज से पहले बैक टू बैक कई प्रमोशनल इवेंट करने वाले एक्टर अजय देवगन इस फिल्म के रिलीज के कुछ दिन ही बाद पूरे क्रू का साथ छोड़कर छुट्टियां मनाने चले गए हैं। क्या है इसकी वजह, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अजय देवगन एट इंटरव्यूज, अजय देवगन इन टेलीविजन शोज, अजय देवगन एट सन ऑफ सरदार प्रमोशनल इवेंट्स। फिल्म सन ऑफ सरदार के लिए अजय देवगन ने खुद को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मीडिया इंटरव्यूज और इंटरैक्शन से दूर रहने वाले अजय ने सन ऑफ सरदार के लिए अपने सारे रूल्स बदल कर रख दिए। और ऐसा हो भी क्यों ना, सन ऑफ सरदार को अच्छी ओपनिंग दिलवाना अजय के लिए इज्जत का सवाल जो बन गया था। और अब फिल्म की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखकर साफ है कि अजय देवगन अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे। और अब खबर आ रही है कि अजय अपने इस बिजी प्रमोशनल स्केड्यूल की थकान मिटाने के लिए छुट्टियों पर अपनी फैमिली के साथ गोवा निकल गए हैं। लेकिन क्या अजय फिल्म रिलीज के कुछ दिनों बाद ही केवल छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गए हैं? दरअसल सोर्सेस की माने तो अजय अब जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के कंपैरिजन की चल रही खबरों से खुश नहीं है। साथ ही अजय की वाइफ काजोल से भी हर इवेंट पर जब तक है जान और सन ऑफ सरदार को लेकर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यही वजह है कि इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकलने के लिए अजय अपनी पूरी फैमिली के साथ गोवा निकल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार्स द लेट राजेश खन्ना के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर। राजेश जी की आखिरी फिल्म रियासत के मेकर्स ने फैसला किया है कि इस फिल्म को उनकी 70th बर्थडे एनिवर्सरी पर रिलीज किया जाएगा। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म रियासत पर है अक्षय कुमार की नजर। अक्षय और डिंपल इसे क्लोजली मॉनिटर करना चाहते हैं। रिपोर्टेडली अक्षय कुमार और डिंपल कपाड़िया ने ख्वाहिश जताई है कि फिल्म रिलीज होने से पहले उन्हें दिखाई जाए और फिल्म के डायरेक्टर इस शर्त को मान भी गए हैं। इनफैक्ट डायरेक्टर ये भी चाहते हैं कि सिनेमा घरों में फिल्म आने से पहले परिवार वाले इसे देखें। ये शायद इसीलिए ताकि बाद में उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुनने में आया है कि अक्षय, ट्विंकल और डिंपल के लिए राजेश खन्ना की लास्ट फिल्म का स्पेशल ट्रायल शो रखा जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर अपने प्रोडक्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं और इसलिए उन्हें ऐसा करने में कोई एतराज नहीं है। वैसे पिछली बार जब काका की फिल्म बेवफा के कुछ ऐसे सीन्स आउट हुए थे तो अक्षय कुछ खास कम्फर्टेबल नहीं थे, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। बात काका की लास्ट फिल्म का है, वो फिल्म जिसे बॉलीवुड की रियासत पर राज करने वाले सुपरस्टार अपने पीछे छोड़ गए हैं। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.